नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते तापमान के साथ ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल में ही जून की गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं मार्च महीने में गर्मी ने अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है और अब अप्रैल के महीने में गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों का दिन में निकलना मुश्किल सा हो गया है। आइए देखते हैं आने वाले 5 दिनों में क्या होगा आपके जिले में मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी किए गए मौसम पूर्वानुमान से उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में 13, 14 और 15 अप्रैल को मौसम शुष्क होगा। वहीं अगले 2 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा। वहीं न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य दर्ज किया जा सकता है। बात करें उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर की तो 13, 14 और 15 अप्रैल को मौसम शुष्क होगा। वहीं अगले दिन मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में आने वाले 3 दिन मौसम शुष्क होगा। वहीं उसके अगले 2 दिनों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 23 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, इन जिलों में 13 अप्रैल को मौसम शुष्क होगा। 14 अप्रैल को एक दो जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है और 15 अप्रैल को भी मौसम शुष्क होगा। वहीं अगले 2 दिनों में मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा। वहीं न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में भी 13 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 14 अप्रैल को एक या दो जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वापस 15 अप्रैल को मौसम शुष्क होगा और अगले 2 दिनों में मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक दर्ज की जा सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 23 डिग्री तक दर्ज की जा सकती है। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो 15 अप्रैल तक मौसम शुष्क होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगले दिन में मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के मध्य होने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। खास तौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो 13 और 14 अप्रैल को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है और वहीं 15 अप्रैल को आंशिक रूप से आपको बादल देखने को मिल सकता है। ये मौसम पूर्वानुमान पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मौसम की जानकारियों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।